नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे खर मास के नियम, उसकी सावधानी और उसमें अपनाए जाने वाले उपायों के विषय में कि खर मास में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, क्या सूर्य की पूजा इस मंथ में, इस महीने में आपके मान सम्मान में वृद्धि कर सकती है, ये भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपकी दरिद्रता का नाश कर सकती है, सफलता का अचूक महा उपाय भी दिया जाएगा, आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे, दैनिक राशिफल की चर्चा होने वाली है। और इसी के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम दिनार्ति हरणाय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से सारे संकटों का नाश होता है। इस मंत्र को जब आप महसूस करें किसी संकट में गिर गए हैं तो आप इस मंत्र को जरूर जपिएगा। अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 17 दिसंबर 2022, दिन शनिवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी, उपरांत हस्त, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, सुबह 9 बजे से 10:30 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करिए। दिशाशूल होगा पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा बिल्कुल ना करिए। इस दिशा की ओर जाने से लाभ की प्राप्ति नहीं होने वाली है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि खरमास के विषय में, लेकिन ये खरमास कब है, इसकी खासियत क्या है, कब ये शुरू होगा, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार साल में 2 बार खरमास आता है। पहला जो खरमास होता है साल की शुरुआत में ही होता है, यानी कि मध्य मार्च से और मध्य अप्रैल के बीच, जब सूर्य मीन राशि में आते हैं तब खरमास होता है। और दूसरा खरमास मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, जब सूर्य धनु राशि में आते हैं, तब यह खरमास माना जाता है। तो खरमास के प्रारंभ होते ही शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य देव के प्रभाव में, उनकी कुछ ऊर्जा में, उनकी कुछ शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ कमी सी आ जाती है। इस साल खरमास जो है 16 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही शुरू हो चुका है और 14 जनवरी 2023 रात 8:57 तक ये रहेगा, तब तक ये रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि खरमास में कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं जो कि इस दौरान नहीं किए जाते हैं। देखिए, खरमास के दौरान जब सूर्य धनु राशि में हो तो जमीन जायदाद से संबंधित कोई नया कार्य ना तो शुरू करना चाहिए, ना जमीन को बेचना चाहिए, ना खरीदना चाहिए, वरना नुकसान की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धनु राशि काल पुरुष के नवम भाव में आती है, तो यहां पर सूर्य के आने से चौथे भाव से अगर सूर्य की स्थिति देखें तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा बचिएगा। खरमास के समय शादी विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं और खरमास के दौरान नया मकान बनाने, नए ग्रह प्रवेश से भी आपको बिल्कुल बचना चाहिए। इस समय मुंडन का कार्य हो, संस्कार का कोई भी कार्य हो, तो इस समय आपको नहीं करना चाहिए, इस दौरान आपको बचना है। आइए जानते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशि कर्म। मेष राशि, महत्वपूर्ण कार्य आपका बिगड़ सकता है, अपने भाग्य पर भरोसा रखें। वाहन चलाने में कोई लापरवाही नहीं करनी है, साबुत अनाज का दान करना है, शुभ रंग होगा गेरुआ। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, किसी से अकारण वाद विवाद ना करें, जबरदस्ती किसी पर कोई दबाव बिल्कुल ना बनाएं, गुलाबी कपड़ों का दान करें, शुभ रंग होगा नीला। मिथुन राशि, उच्च अधिकारी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किसी को गलत सलाह बिल्कुल ना दें, पिता की ओर से मदद मिलेगी, पीले मीठे चावल का दान करें, शुभ रंग होगा हरा।
मित्रों, खर मास में तो वैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन खर मास वो समय होता है जब आप भगवान सूर्य की विशिष्ट पूजा अर्चना कर सकते हैं और आपके उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। मान सम्मान में चारों दिशाओं से आपको फायदा जरूर देखने को मिलता है। तो कैसे करना है ये प्रयोग, आइए जानते हैं। सुबह के समय स्नान के जल में एक चम्मच गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। साफ कपड़े पहनकर आप तैयार हो जाइए। एक तांबे के लोटे में जल, रोली, गुड़, लाल गुलाब के फूल या उसकी पत्तियां और 7 चावल के साबुत दाने आप डाल दीजिए। अब किसी आसन पर आप बैठ जाएं, देवी गायत्री के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब यह जल भगवान सूर्य नारायण को अपने मन की कामना, स्वास्थ्य की कामना हो, मान सम्मान की कामना हो या कहीं से भी कुछ प्राप्ति आपको चाहिए, वह कामना बोलकर भगवान सूर्य को आप यह जल अर्पित करें। जब आप यह जल जो भगवान सूर्य को देंगे, जब अर्घ देंगे, तो अर्घ दिए हुए जल से अपने माथे और अपनी आंखों पर छींटा जरूर लगाइए। ऐसा लगातार हर मास में करने से आपके मान सम्मान में जरूर वृद्धि होगी और भगवान सूर्य की कृपा से आप स्वस्थ बने रहेंगे। आइए जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें, किसी महिला से मदद मिलेगी, जरूरी सामान संभाल कर रखें, गुलाबी वस्त्र का दान करें, शुभ रंग होगा नारंगी। सिंह राशि, नौकरी के लिए आवेदन करें, घर की पूर्व दिशा को साफ रखें, मन की इच्छा पूरी होगी, पीले फल का दान करें, शुभ रंग होगा गाजर। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, करियर में कोई बदलाव बिल्कुल ना करें, अपने क्रोध पर गुस्से पर काबू रखिए, मिश्री और मूंग का दान करना है, शुभ रंग होगा केसरिया। मित्रों, ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग अपना प्रश्न भेजते हैं, अपनी समस्या हमारे साथ साझा करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी हेल्पलाइन नंबर नोट करिए, 9643333444। अब आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न इस नंबर पर जरूर साझा कर दीजिएगा। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जैन राजस्थान से, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि व्यापार के बारे में कोई उपाय बताएं, इनका व्यापार थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। मनीष, आप कर्क लगन और कर्क राशि के हैं, व्यापार के स्थान में नीच का बृहस्पति कुछ ना कुछ परेशानी जरूर करेगा, सूर्य और राहु की युति भी है तो आपके हर कार्य में कुछ ना कुछ परेशानी स्वयं चल कर आ जाती है। आप बिल्कुल ना घबराएं, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष में आपको मीठा यानी कि गुड़ या मिश्री मिलाकर जल अर्पित करना है और भगवान विष्णु की उपासना करनी है। साथ ही शनिदेव के 10 नामों का आप जाप जरूर करें, कोणस्थ, पिंगल, बबरू, कृष्ण, रौद्रांतक, अंतक, शौरी, शनिश्चर, यम, पिपलाद। तो इस शनिदेव के 10 नाम हैं, इनको आप जरूर जपिएगा। दूसरे दर्शक संजय बहुगुणा जी ने भी हमसे एक प्रश्न पूछा है, ये दिल्ली से हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनके भी व्यापार में इनको सफलता कब मिलेगी ये जानना चाहते हैं। संजय जी, आप धनु लग्न और मकर राशि के हैं, कुंडली में शनि राहु और सूर्य केतु की युति है जो आपके हर कार्य को चौपट कर देती है, बिगाड़ देती है। क्या करना है उपाय के तौर पर, अपने व्यापार को सफलता की ओर ले जाने के लिए आप शुक्रवार का उपवास रखिए, देवी लक्ष्मी के मंदिर में साबूदाने की खीर का भोग लगाकर छोटी कन्याओं को खिलाइए, ऐसा आप शाम के समय करिएगा। और हां, एक शुद्ध पन्ना रत्न आपको अपने दाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में जरूर धारण करना है। तो ये छोटा सा उपाय संजय जी आपके हर कार्य को सफल बनाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रश्न जरूर साझा करिए। आइए जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, उधार दिया पैसा मिल सकता है, घर में मेहमान आने का योग बना हुआ है, अपना डिसीजन, अपना निर्णय बहुत सोचकर ही लीजिएगा, भगवान शिव की उपासना से बहुत लाभ होगा, शुभ रंग होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, किसी भी बात पर वाद विवाद ना करें, व्यापार में लाभ होगा
उपहार और सम्मान मिलने का योग बना हुआ है। गुड़ का दान कर दीजिए। शुभ रंग है कत्थई। धनु राशि, रिश्तों में खटास आ सकती है। रात को देर तक ना जागें। अपना धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। पक्षियों को दाना जरूर डालें। शुभ रंग होगा पीला। मित्रों, अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, ज्योतिष गुरु आपके उत्तम सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपकी आजीविका और स्वास्थ्य के लिए मिक्स रिजल्ट आएगा, मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। लेकिन इस वर्ष की शुरुआत में ही आपके शोल्डर की यानी कि कंधे की समस्या आपको परेशान करेगी, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। धन, स्वास्थ्य और रोजगार की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय आप लिंगाष्टक स्तोत्र का पाठ करिएगा। भगवान शिव की कृपा होगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, आज रसोई घर की छोटी सी सामग्री आपकी जन्म जन्म की दरिद्रता का नाश कर देगी। तो कैसे आपके घर में जो है धन की आवक होगी, कैसे दरिद्रता बाहर जाएगी, आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं। जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद करें। दोपहर बाद समय अनुकूल है। लाल मिठाई का दान करें। शुभ रंग होगा गुलाबी। कुंभ राशि, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करें। आर्थिक स्थिति आपके अनुकूल होगी। उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा। केसर का दान करें। शुभ रंग होगा आसमान। मीन राशि, दोपहर तक समस्याओं का समाधान बिल्कुल मिल जाएगा। जल्दबाजी में कोई लापरवाही नहीं करनी है। अपने से बड़ों का सम्मान करना है। चावल का दान करना है। शुभ रंग होगा सुनहरा। मित्रों, सफलता का वो अचूक महा उपाय आपके साथ साझा करते हैं जो आपके किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सफल कर सकता है। देखिए, रात में सोने से पहले क्लीन नमः मंत्र का 27 बार जाप करिए, सो जाइए, आपके महत्वपूर्ण कार्य सफल होने लगे। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं, यदि सर्दी की समस्या से परेशान है, मौसम में चेंज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्या करना है। तेज पत्ते को पानी में उबालिए और उस पानी की भाप लीजिए, सर्दी जुकाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट। अपने बाएं हाथ की मध्यम उंगली में आप एक लोहे का छल्ला पहन लीजिए। आप एक बार करके देखिए, आपके बिगड़े कार्य भी बनेंगे और हर जगह सम्मानिता बनी रहेगी। बात करते हैं रसोई घर की वो अचूक सामग्री की जो आपकी जन्म जन्म की दरिद्रता को खत्म कर सकती है। क्या है वो सामग्री, कैसे उपाय में लानी है, आपको समझाते हैं। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए कच्चा आंवला। कैसे प्रयोग में लाएं? भाई, एक कच्चा आंवला लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए और एक चम्मच आंवले का रस आप शिवलिंग पर अर्पित करिए। आपकी जन्म जन्म की दरिद्रता का नाश अवश्य होगा और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि खर मास की महिमा क्या है, खर मास के दौरान कौन कौन से उपाय किए जाते हैं और खर मास में एक छोटा सा उपाय आपके मान सम्मान में कैसे वृद्धि कर सकता है। तो ये उपाय अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करिएगा ताकि उनको भी सुख समृद्धि और ईश्वर की कृपा जरूर मिले। मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।